हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल हैश टेक स्टडी विस्टार ट्वेंटी ट्वेंटी वन आज है हमारा ग्रुप्स एंड रिंग्स मैथ पे सेकेंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में हमने सारे डेफिनेशन कर ली थी ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप तक और आज हम इस लेक्चर में करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स फिफ्टीन एग्जाम्पल्स हैं और सारे एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे और वैसे फिफ्टीन वैसे ज़्यादा लग रहे हैं आपको लेकिन एक ही चीज़ के ऊपर बेस्ड है आपको ऑलमोस्ट सब में या तो ग्रुप दिखाना है या एवलियन ग्रुप दिखाना है तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रुप क्या होता है एबिलियन ग्रुप क्या होता है फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी अच्छे से कर लिया है और एक फटाफट से हम रिविजन यहाँ भी ले, ले लेते हैं कि कोई भी आ, सेट है वो किसी भी बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप कब बनाता है अगर वो चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड इज एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिविटी कुछ भी कह सकते हो एसोसिएटिव लॉ कह सकते हो एसोसिएटिविटी भी बोल सकते हो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो और अगर एबिलियन ग्रुप पूछा है तो इन चार प्रॉपर्टीज के साथ साथ एक एक्स्ट्रा फिफ्थ प्रॉपर्टी भी एड हो जाती है जिसको आप बोलते हो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो एक बार रिविजन ले, ले लेते हैं इसका और आई होप अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है तो आपको याद होगा क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि आपने जे के अंदर से कोई दो एलिमेंट उठा लिए अगर आप उन दो के ऊपर वो ऑपरेशन लगा रहे हो बाइनरी ऑपरेशन वो कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा एडिशन हो सकता है मल्टीप्लिकेशन हो सकता है सब्ट्रैक्शन हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो इनकी दो एलिमेंट के ऊपर जब आप वो ऑपरेशन लगाओगे यानी ए स्टार बी जब निकालोगे तो वो जो आएगा ना एलिमेंट वो भी जी का ही एक एलिमेंट आएगा ये दोनों तो एलिमेंट भी जी के हैं और इनके ऊपर जब आपने वो ऑपरेशन लगाया तो भी वो एलिमेंट जी का ही आया तो वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेकंड कौन सी थी एसोसिएटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ क्या था कि कोई तीन एलिमेंट आपने ले लिए तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता अगर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है तो ऑर्डर मतलब कि आप पहले ए और बी को इवेल्युएट करके एलिमेंट निकाल के और फिर उसके साथ सी का ऑपरेशन लगा रहे हो या फिर पहले बी और सी पे ऑपरेशन लगा के फिर जो आंसर आएगा फिर जो एलिमेंट आएगा ए और सी सॉरी ए और डी मान लो जो आएगा आंसर उन दोनों पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो आंसर सेम ही आएगा पहले इन दोनों को कर लो या पहले लास्ट वाले दोनों को कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आइडेंटिटी का मतलब क्या उस पूरे सेट के अंदर कम से कम मतलब एक एलिमेंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करे कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप उसके साथ ऑपरेट करो तो वही एलिमेंट एज इट इज आ जाए यानी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी अगर एक ऐसा एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट कर रहा है किस टाइप से कि ए स्टार ई करो या ई स्टार ए करो वही एलिमेंट ए एज इट इज आ जाएगा आपको पता है अगर एडिशन हम करते हैं तो जीरो आइडेंटिटी होता है और मल्टीप्लीकेशन के केस में वन आइडेंटिटी होता है क्योंकि जीरो किसी के अंदर भी ऐड कर लो वही एलिमेंट आ जाता है और वन किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लो वही एलिमेंट एज इट इज़ आ जाता है फोर्थ क्या था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इनवर्स में हमने क्या किया कि हर किसी ए यहाँ बिल्कुल सेम चीज़ें हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी इसके लिए तो कहीं एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट कर जाए इनवर्स में क्या है कि हर किसी ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी बिल्स टू जी एग्जिस्ट कर जाए किस टाइप से कि ए स्टार बे करो या बी स्टार ए करो किसके इक्वल आए आइडेंटिटी एलिमेंट के उसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ना उसके इक्वल आ जाए इसका एग्जाम्पल क्या है अगर आप एडिशन लेके चल रहे हो तो आइडेंटिटी मैंने अभी बताया आपको क्या होती है जीरो तो के लिए इनवर्स कौन होगा माइनस फाइव क्योंकि फाइव और माइनस फाइव को अगर आप एड करते हो तो क्या आ जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट यानी जीरो अगर आप टेन लेके चल रहे हो तो उसके लिए जो इनवर्ट है वो क्या होगा माइनस टेन क्योंकि टेन और माइनस टेन को अगर आप ऐड करते हो तो आइडेंटिटी आ जाएगा यानी जीरो आ जाएगा इन द सिमिलर वे अगर आप मल्टीप्लीकेशन के केस में लेके चल रहे हो तो मल्टीप्लीकेशन के केस में सिक्स का इनवर्स क्या आएगा वन बाई सिक्स क्योंकि सिक्स और वन बाई सिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी आएगी जो कि क्या होती है वन होती है मल्टीप्लीकेशन केस में अगर फिफ्टीन लेके चलोगे तो फिफ्टीन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा वन बाई फिफ्टीन क्योंकि फाइव सॉरी फिफ्टीन और वन बाई फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करके ही आपका जो एडेंटि मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी आएगा जो कि क्या होता है वन ये तो चार है हमारे ग्रुप की लेकिन अगर आपको ग्रुप की बजाय एबिलियन ग्रुप पूछा हुआ है तो इन चार के साथ साथ आप एक फिफ्थ भी दिखाओगे क्या होती है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल इजी है कि कोई दो एलिमेंट ले लो या तो आप ए स्टार भी करो या बी स्टार ही करो कोई आ, बेटर नहीं करता लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा तो अगर ऐसा है तो वो किस प्रॉपर्टी को कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है अगर पाँचों को कर जाता है तो वो ग्रुप वो जो सेट है उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या बन जाता है एबिलियन ग्रुप या फिर आप उसको बोल सकते हो कॉम्पिटेटिव ग्रुप ये था हमारा पिछले लेक्चर का रिविजन चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर वन एग्जाम्पल नंबर वन में इसने क्या कहा है कि शो करो जो Z है यानी सेट ऑफ इंटीजर्स है वो एबिलिन ग्रुप फॉर्म करता है एडिशन के रिस्पेक्ट में सेट मिल गया आपको कौन है सेट ऑफ इंटीजर्स ऑपरेशन मिल गया आपको क्या है एडिशन तो फाइव की फाइव प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करा दो क्योंकि एबिलियन ग्रुप पूछा है ना तो फर्स्ट इज क्लोजर सेकेंड इज एसोसिएटिव थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ इज एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स एंड फिफ्थ इज कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी तो क्लोजर में हम क्या करते हैं सिंस जैसा कि सम ऑफ टू इंटीजियर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर सो दिस एम्प्लाइज दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू जेड ए प्लस बी भी हमेशा किस में बिलोंग करेगा जेड में बिलोंग करेगा हैंस क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी आप एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक वन एंड टू बिलोंग्स टू जेड देन वन प्लस टू विच इज इक्वल टू थ्री ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड दो तीन एग्जाम्पल लेकर दिखा सकते हो आप तो फिर वो हमारी कौन सी से प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें एक लाइन और लिखी होती है कि जो सेट जेड है ना वो क्लोज क्लोज मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बस इतना मीनिंग है इसका सेकेंडली हम क्या करते हैं आप क्या करते हो तीन एलिमेंट लेके चलते हो ना पहले इन दोनों पे ऑपरेट कर लो या इन दोनों पे ऑपरेट कर लो उससे मैटर नहीं करता आंसर बिल्कुल सेम आएगा इक्वल आएगा क्योंकि एडिशन ऑफ इंटीजर्स हमेशा ही एसोसिएटिव लॉ को ओबे करता है और यहाँ पे सेट भी आपको इंटीजर से मिला हुआ है और ऑपरेशन भी आपको एडिशन ही मिला हुआ है तो ये चीज़ तो हमेशा ही होती है तो इसका मतलब अगर आप ए प्लस डी प्लस करो या ए प्लस बी प्लस सी करो दोनों इक्वल ही आएंगे तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एसोशियटिव uh, लॉ को क्या कर रहा है वो सेटिस्फाई कर रहा है आप एग्जाम्पल लेके भी दिखा सकते हो और एग्जाम्पल लेके दिखाने चाहिए uh, एक दो एग्जाम्पल आपको लेके दिखाने चाहिए बिल्कुल सिंपल है ना वन टू थ्री ले लेना तो वन प्लस टू प्लस थ्री कर दो तो क्या आ जाएगा फाइव और फिर वन प्लस फाइव क्या आ जाएगा सिक्स सिमिलरली यहाँ पे वन प्लस टू प्लस थ्री तो पहले वन प्लस टू क्या आ जाएगा थ्री और थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा सिक्स तो सिक्स और सिक्स दोनों इक्वल आ गए ना ऐसे एक एग्जाम्पल हो ले लेना तो इसका मतलब कौन सी जो एसोसिएटिव लॉ भी क्या करता है होल्ड करता है वो हो रहा है ठीक है इतने ही सिंपल है बस सारे अगर आपको ये पता है ना आपको कौन क्या, क्या क्या प्रूव करना है इनके अंदर तो आप इजिली बता दोगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको पता ही है एडिशन है तो आइडेंटिटी कौन सी होती है ज़ीरो होता है तो और वो जीरो क्या इसमें बिलोंग करता है जेड में सेट ऑफ इंटीजर्स में हाँ तो इसका मतलब द नंबर जीरो बिलोंग्स टू इंटीजर किस टाइप से कि ए प्लस जीरो करो या जीरो प्लस ए करो हमेशा ए ही आ रहा है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड दिस इंप्लाइज दैट जो जीरो है वो क्या है हमारी आइडेंटिटी बन रही है तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है ना आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना सो थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी फोर्थ क्या करेंगे फोर्थ में हम करेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब क्या है कि कोई भी अगर आप ए बिलोंग्स टू जेड लेके चल रहे हो तो उसके लिए माइनस ए बिलोंग्स टू जेड यूनिक ये जरूर लिखना यूनिक एक ही होगा सो फॉर ए बिलोंग्स टू जेड एक यूनिक एलिमेंट माइनस ए बिलोंग्स टू जेड हमेशा एग्जिस्ट करेगा किस टाइप से कि जब आप इन दोनों पे वो ऑपरेशन लगाओगे ऑपरेशन क्या है यहाँ पे एडिशन सो ए प्लस माइनस ए जब आप करोगे वो क्या आ जाएगा जीरो यानी कि आइडेंटिटी या ए प्लस माइनस ए करो या माइनस ए प्लस ए करो वो चीज़ मैटर नहीं करती आंसर आपका जीरो ही आएगा जो कि क्या होता है आपका आइडेंटिटी होती है फिफ्थ इज कॉम्पिटेटिव लो कॉम्पिटेटिव लो क्या कहता है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए इसने पहले ही बोल दिया कि जो कॉम्पिटेटिव लो होल्ड करता है अगर आप दो इंटीजर्स को एड करते हो ये चीज तो है ही तो इसका मतलब कॉम्पिटेटिव जो लो है यहाँ पे ओपे हो रहा है तो पांचों प्रॉपर्टीज होगी दिस इम्प्लाइज एट जेड प्लस ये क्या था एल्ज्राइक स्ट्रक्चर क्या करते थे हम जब सेट के साथ जो उस ऑपरेशन को लिख देते थे वो क्या बन जाता था एल्जेब्रैक स्ट्रक्चर तो ये सिर्फ एल्जेब्रैक स्ट्रक्चर नहीं रहा अब ये क्या बन गया एबिलियन ग्रुप बन गया यानी कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है एडिशन के रिस्पेक्ट में वो क्या बना रहा है एबिलियन ग्रुप बना रहा है ऑल्सो जेट कंटेन्स एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ये बेशक एबिलियन ग्रुप है लेकिन साथ में आप ये भी बता दो कि कौन सा ऑर्डर है इसका इनफाइनाइट ऑर्डर ठीक है अगर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते ऐसा कोई सेट होता तो उसका कौन सा ऑर्डर होता फाइनाइट ऑर्डर होता यहां पे इनफाइनाइट सेट है इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर तो इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है इनफाइनाइट सेकंड देखिए सेकंड में आप एक आपको अच्छे से समझ आ गया तो अब तो अपने आप कर लोगे आप सारे कैसे फटाफट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स इंटीजियर्स वही सेट है लेकिन यहां पे क्या आ गया मल्टीप्लीकेशन आपको ये दिखाना एक रूप नहीं है क्यों नहीं है चलो देखते हैं क्यों नहीं है चेक करते जाएंगे हर किसी को क्लोजर प्रॉपर्टी देखो अगर एक दो एलिमेंट आपने जेड से ले लिए तो उनकी मल्टीप्लीकेशन हमेशा जेड में ही होगी ना ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है सेकेंड देखो एसोशियेटिविटी एसोशिएटिविटी भी हमेशा होल्ड करती है तो मल्टीप्लीकेशन भी एसोसिएटिव कंपोजिशन आपको जस्ट लिखना है बस ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होती है वन होती है और वन सेट ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करती है करती है

तो फाइव मल्टीप्लाई फाइव क्या बच जाएगा यानी कि इनके से क्या आ रहा है Identity आ रहा नहीं इसका मतलब को बिलोंग नहीं करता और हमारी कंडीशन क्या थी कि एवरी ए बिलोंग्स टू जेड के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करे जो जेड में बिलोंग करे ऐसा नहीं कि कहीं से भी नहीं उस Z में बिलोंग Z नहीं उस सेट में बिलोंग करना चाहिए इस एग्जाम्पल में वो Z है लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन वो इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब इस हर किसी एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो बेशक बाकी तीन सेटिस्फाइड है लेकिन एक भी अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हो हमारा जो आ, सेट है वो ग्रुप नहीं बनाता है तो फोर्थ नहीं हुई इसका मतलब दिस इस इज नॉट अ ग्रुप अच्छा एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ये एबिलियन ग्रुप होगा बेशक से फिफ्थ हो ना हो लेकिन जब फोर्थ ही नहीं हुई यानी कि फाइव में से एक तो हो ही नहीं रही ना सेटिस्फाइड तो एबिलियन ग्रुप भी नहीं है तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये प्रूफ करो ये ग्रुप नहीं है क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये प्रूव करो एबिलियन ग्रुप नहीं है तो ना ये ग्रुप है ना ये एबिलियन ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में तो यहाँ फोर्थ स्टेप पर आते ही आपको पता चल जाएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करता नहीं है तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं थर्ड देखिए थर्ड में आपको क्या करना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म एन एवरी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन वि रिस्पेक्ट में जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं ये क्या होते हैं ओमेगा होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा स्क्वेयर भी क्या होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है देखो एक सेट जब कहीं भी आपको ये मिल जाए ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो वो सेट मान लेना आप वन होगा उसमें ओमेगा होगा उसमें ओमेगा स्क्वेयर होगा उसमें ठीक है और ये किस टाइप से होते हैं कि ओमेगा क्यूब हमेशा वन के इक्वल होता है बस ये याद रखना आपको दो चीज़ें याद रखनी है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में क्या होता है एस सेट मान के चलना पड़ता है आपको वन ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर जहाँ पे वन भी ओमेगा भी और ओमेगा स्क्वेयर भी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है और जो ओमेगा क्यूब है ना वो हमेशा ही वन के इक्वल होता है पाँच प्रॉपर्टीज हैं वही सेटिस्फाई करानी पड़ेंगे आपको फर्स्ट क्या है क्लोज्ड प्रॉपर्टी देखो अब आपको देकर आओगे ना इन्होंने यहाँ पे ये क्यूब बनाया क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या दिखाना होता है कि कोई भी दो एलिमेंट उठा लो सेट के उन पे जब आप ऑपरेशन लगाओ ऑपरेशन यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन तो उनकी जो मल्टीप्लीकेशन करो तो वो भी इसी सेट के अंदर आ जाए लेकिन देखो वन टू थ्री होता तो हम देख के बता भी देते तो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वेयर है हमें कैसे पता चलेगा ये है या नहीं है तो उसके लिए आप क्या बनाओगे कॉम्पोजिशन टेबल जो हमने बनानी सीखी थी पिछले लेक्चर के अंदर यहाँ भी मैं बता देती हूँ आपको जैसे जो इसके एलिमेंट्स है ना सारे लिखने होते हैं आपको यहाँ पे लिख लो यहाँ पे लिख लो वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर यहाँ क्या आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ क्या आएगा इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन यहां क्या आएगा इसकी और इसकी यहाँ पे इसकी और इसकी यहाँ पे इसकी और इसकी लेकिन यहाँ पे इसकी और इसकी हुई तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्या हो गया ओमेगा क्यूब लेकिन वो तो मैंने आपको बताया था वन होता है तो वन आ गया यहाँ पे इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन वन क्योंकि ओमेगा क्यूब हो गया था वो वन होता है यहाँ पे क्या हो गया ओमेगा के पावर फोर लेकिन एक ओमेगा क्यूब तो वन होता है तो सिर्फ ओमेगा बच गया यानी कि किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर लो इन नौ में से कोई एक आएगा ना और ये सारे के सारे किस में बिलोंग कर रहे हैं सेट एस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कोई भी एलिमेंट उठा लो उनकी मल्टीप्लीकेशन भी उसी सेट के अंदर जा रही है इसीलिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ये कंपोजिशन टेबल हमने किस लिए बनाई है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराने के लिए ठीक है आई होप आप समझ गए हो बस हमें यही देखना था क्योंकि ऐसे देखने से हमें पता नहीं चल रहा कि क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है या नहीं इसीलिए हमने कंपोजिशन टेबल बनाई ताकि हमें यह पता चल जाए कि मल्टीप्लीकेशन करने में क्या क्या आ सकता है तो सब सबको सबके साथ मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया इन नौ में से ही कोई एलिमेंट आएगा और ये नौ के नौ किस में बिलोंग कर रहे हैं सेट एस के अंदर तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है सेकेंड क्या होती है एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी में क्या होता है कि एलिमेंट्स ऑफ एस आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एस के जो एलिमेंट्स हैं वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये कैसे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये और कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं तो ये सेटिस्फाई होगी ऐसे लिखना आपको यहाँ भी थर्ड क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या आइडेंटिटी होती है आपको पता है वन होती है तो क्या वन एस में है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या वन है यहाँ पे है तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स अब देखो इनवर्स का मतलब क्या है कि उस एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए कि उन दोनों की जब मल्टीप्लाई करो ना क्या आ जाए वन तो वन के हम हर किसी के लिए देखते हैं इसके एलिमेंट ही कितने तीन है ना सबके लिए देख लेते हैं वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि वन आ जाए वन के साथ है ना और वो वन इसमें बिलोंग भी कर रहा है तो इसका मतलब वन का इनवर्स कौन है वन है नेक्स्ट देखिए ओमेगा को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि वन आ जाए अब आपको पता है ओमेगा क्यूब क्या होता है वन तो ओमेगा की ओमेगा स्क्वायर के साथ जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब और ओमेगा क्यूब क्या होता है वन तो इसका मतलब ओमेगा का इन्वर्स कौन है ओमेगा स्क्वायर एंड सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कि वन आ जाए ओमेगा के साथ क्योंकि ओमेगा क्यूब क्या होता है वन so, मतलब का वन है ओमेगा का ओमेगा स्क्वेयर है और ओमेगा स्क्वेर का ओमेगा है और तीनों के तीनों ही ये किस में बिलोंग कर रहे हैं सेटाइस के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी ये कंडीशन भी क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई फिफ्थ देखिए कॉम्युटेटिविटी कॉम्प्लेक्स नंबर से अब उनकी मल्टीप्लीकेशन अगर एसोसिएटिव होती है तो वो कॉम्पिटेटिव भी होती है इसका मतलब कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई तो दिस इज एन एबिलियन ग्रुप अच्छा कहीं भी आप कोई हो जाए ना कि एबिलियन ग्रुप है तो आप उसका ऑर्डर साथ में बताओगे तो एक्स्ट्रा पॉइंट ही बन रहे हैं ना आपके कुछ जा ही नहीं रहा हमारा तो वहां पर आपने इन्फिनिटी बता दिया था क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स है इसमें कितने हैं थ्री है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा थ्री ऑर्डर आपको पता है ना जितने उसमें एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर है उसमें जो सेट ऑफ टीचर था वो इनफाइनाइट सेट एलिमेंट्स थे उसके अंदर तो वो इनफाइनाइट रूप था उसका लेकिन यहां पे थ्री एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर्थ देखिए एम थ्री डगनोर द सेट ऑफ ऑल थ्री क्रोस थ्री नॉन सिंगुलर मेट्रेस शो दैट इट इज अ ग्रुप ग्रुप है लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है ग्रुप है लेकिन एबिलियन ग्रुप नहीं है यानी बाकी चार प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन फिफ्थ कॉम्पिटेटिविटी सेटिस्फाई नहीं हो रही देखिए फर्स्ट कौन सी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी तो ए आपने ले ली बी आपने ले ली दो मैट्रिसेस ले ली अगर आप इनकी मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो ध्यान से सुनना सबसे पहले हम इस चीज पर फोकस करते हैं एम थ्री क्या था सेट था ना सारे थ्री क्रॉस थ्री मेट्रिस का ठीक है तो कोई भी मैट्रिक्स जो थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की है वो इसके अंदर आ जाएगी ए और बी आपने दो एलिमेंट ले लिए इसके अंदर से इसका मतलब ए भी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है बी भी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का है तो आपको क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा कि आप जब इनकी multiplication भी भी करोगे वो इसके अंदर एलिमेंट्स आ, आ रहे हैं है जिनकी जो ऑर्डर है जो क्या है थ्री क्रोस थ्री है तो इसका मतलब अगर ए बी एम थ्री में से है तो ए में से होगा थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स होगी तो अगर ये थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स होगी तो किसको बिलोंग कर जाएगी एम थ्री को क्योंकि ये भी थ्री क्रॉस थ्री की है ये भी थ्री क्रॉस थ्री की है थ्री क्रॉस थ्री की दो मेट्रिक्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो भी जो थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स होगी और थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सीधा किस में चलेगी एम थ्री में तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी है क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड कौन सी होती है एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी में क्या है आपको पता है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव होती है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो ऐसा ये भी होगी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में इसने कहा है सच दैट कि आप ए क्रॉस वो मैट्रिक्स करो या फिर वो मैट्रिक्स क्रॉस ए करो दोनों केसेस में ए ही एज इट इज आ जाए तो वो कौन सी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है ये हो है, पे होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी वन आएगा यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है ऐसे ही मैट्रिक्स जिसके डायगनल पे ये डायगनल है इसका जिस जिसप डायगनल पे सारे वन एलिमेंट आए वन आए वन 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 और बाकी जो बच गए वहां पर जीरो 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 थ्री क्रॉस ऑर्डर की थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ऐसी एलिमेंट ऐसी जब मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है आई थ्री से हम इसको डिनोट करते हैं जब भी आपको दिखाई ना मैंने आपको इसको आई थ्री बोलते हैं आई थ्री क्यू थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की आई मतलब identity matrix. तो वो करती है किस टाइप से कि करो करो या I3 cross A करो, A ही आ जाएगा तो इसका मतलब identity भी करती है फोर्थ क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ए कोई मैट्रिक्स ले लिया आपने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अच्छा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही आपको लेनी है यहाँ पे क्यों क्योंकि सारा सेट ही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का है देखो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि ऐसे मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो नॉन सिंगर होती है तो अगर वो सिंगुलर हो जाती है ना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और आपको पता है ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको इनवर्स दिखाना ही पड़ेगा तो इन्होंने पहले ही क्या दे दिया कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको सबसे पहले ये लिखना है आपको एक मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी तो आपको ये देखना है कि क्या इस ए के लिए कोई दूसरी मैट्रिक्स ऐसे एग्जिस्ट करती है कि उनके आपस में मल्टीप्लीकेशन करो तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए तो हाँ ए के लिए ए इन्वर्स एग्जिस्ट करती है सच दैट ए ए इन्वर्स करो या ए इन्वर्स ए करो आइडेंटिटी के इक्वल ही आ जाएगा और ऑल्सो ए इन्वर्स एम थ्री में से बिलोंग भी करती है आपको पता है ना इन्वर्स जो आएगा ना वो भी इसी सेट के अंदर से आना चाहिए बाहर से नहीं ले सकते आप तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ये तो आपको पता है ना सेट कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स भी एक मैट्रिक्स होती है और उनका जब मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो हमेशा ही आइडेंटिटी आती है तो हर किसी ए के लिए ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगी कोई बी ले लो उसके लिए बी इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगी किस टाइप से उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी आइडेंटिटी के इक्वल तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर गया कॉम्पिटेटिविटी लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्पिटेटिव नहीं होती है क्योंकि ए के साथ बी की मल्टीप्लाई करो या बी के साथ ए की करो आंसर उनका सेम किसी किसी केस में आ सकता है लेकिन ऑलमोस्ट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए ये आपको पता है दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लीकेशन करो ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो और फिर बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो रेयर चांस में वो इक्वल आ सकती है वरना वो इक्वल नहीं होती है तो कम्युनिटी नहीं होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो इसका मतलब है ग्रुप नहीं है फिफ्थ देखिए फिफ्थ बिल्कुल ईजी है एक ऐसा सेट जिसमें ऐसे मैट्रिक्स है ए जीरो 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 अच्छा वैसे ही करके देख लेते हैं इसको इसमें से फर्स्ट आपको क्या दिखाना है प्रॉपर्टी अब ए आपने कोई मैट्रिक्स ले ली इसमें से बी कोई मैट्रिक्स ले ली तो किस टाइप की होगी ए क्या होगी ए जीरो 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 इस टाइप की होगी बी बी ज़ीरो जीरो जीरो इस टाइप की होगी क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट ही ऐसे हैं सारे मैट्रिक्स ही ऐसे हैं तो ए हो जाएगा ए ज़ीरो जीरो ज़ीरो और बी हो जाएगा बी ज़ीरो 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 और ऑपरेशन क्या है यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन तो ए की बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा क्या आएगा एक ऐसे मैट्रिक्स आ जाएगी इन्होंने दी भी रखी होगी आगे देखो ए मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा ए बी जीरो करता है जी को तो ए बी दो एलिमेंट लिया उनकी मल्टीप्लीकेशन की वो भी इसी के अंदर आ गई तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड क्या थी एसोसिएटिविटी ये हमने पीछे भी बताया था उसने कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमेशा ही एसोसिएटिव होती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया सेकेंड प्रॉपर्टी भी यहां पे सेटिस्फाई होगी थर्ड क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है ना वन जीरो 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 अब इसको आप किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर लो वो हमेशा ही वही एज इट इज आ जाएगी इन्होंने करके दिखा रखा है कि ई e ए कर दिया आपने ई एज इट इज रख दी ए वो आपने पीछे लिया था ना ए जीरो 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 इनकी मल्टीप्लीकेशन करो क्या आएगा इसकी इसके साथ ही होगी ना बस बाकी तो सारे जीरो ही हैं तो ए जीरो 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 ए आ गया ना एज इट इज ए करोगे तो भी ए आ जाएगी तो इसका मतलब ये क्या है आइडेंटिटी इनवर्स कोई भी आपने मैट्रिक्स ले ली ए जीरो 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 टाइप की ठीक है जहां पे ये जीरो नहीं है तो उसके लिए एक दूसरी मैट्रिक्स हमेशा एग्जिस्ट करेगी किस टाइप से कि वन बाय ए जीरो 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 सच दैट ए की बी के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे यानी कि इसकी इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक से कैंसिल हो जाएगा वन जीरो 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 ये क्या था आइडेंटिटी तो क्योंकि दो के मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी की इक्वल आ रही है तो हम कह सकते हैं ना कि इसके लिए एक ऐसी मैट्रिक्स एक एक एग्जिस्ट करती है सच दैट उनकी मल्टीप्लीकेशन क्या आ रही है आइडेंटिटी तो ये इसका क्या बन गया इन्वर्स बन गया ना उसी तरह से बी ए कर लो तो भी वही आ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है इनवर्स की डेफिनेशन होती है तो बी इज इन्वर्स और इन्वर्स जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करता है फिफ्थ तो देखिए कॉम्पिटेटिविटी कॉम्पिटेटिविटी उस केस में एग्जिस्ट नहीं कर रही थी लेकिन यहाँ पे तो सारे एलिमेंट जीरो है सिर्फ एक ही एलिमेंट है फर्स्ट वन जो फर्स्ट पोजिशन है ना सिर्फ वहाँ पे है तो ए आपने ले लिया बी आपने ले लिया ए बी निकालो तो भी ए बी जीरो जीरो आएगा बी ए निकालो तो देखो इन्होंने डायरेक्टली लिखा हुआ ए बी आएगा क्या बी ए लेकिन ए और बी कैसे हैं रियल नंबर है और रियल नंबर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है रियल नंबर में वन की थ्री के साथ कर लो या थ्री की वन के साथ कर लो आना थ्री ही है टू की सिक्स के साथ कर लो या सिक्स की टू के साथ कर लो आना ट्वेल्व ही है तो इसका मतलब पहले तो आप लिखोगे दिस इज इक्वल टू बी ए जीरो 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 एंड दैट इज इक्वल टू ए पी जीरो 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 क्यों बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी एज ए एन बी बोथ आर रियल नंबर ठीक है तो ए बी बी ए के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कम्यूटेटिविटी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी तो ये क्या है हमारा एबिलियन ग्रुप देखिए सिक्स में आपको मतलब सेट देंगे आपको और ऑपरेशन दे देंगे आपको बस चेक करते जाना है सेट आपको दे दिया जी दे दिया और इन्फाइनेट एबिलियन ग्रुप है आपको ये बताना है और मल्टीप्लीकेशन आपके पास ऑपरेशन है ये सेट है क्लोजर दिखाना है क्लोजर के लिए क्या करोगे कोई दो एलिमेंट उठा लोगे इसके अंदर से आपको ये दिखाना है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन भी उसी के अंदर से है तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट उठा लो दो उठा लिया आपने एक एक्स उठा लिया एक वाई उठा लिया अब सारे एलिमेंट इसमें ना ए की पावर में है वन भी तो ए की पावर में है ना ए की पावर जीरो तो एक्स भी ए की कोई पावर होगा ए की पावर एम और वाई भी ए की कोई पावर होगा ए की पावर एम दिखाना क्या है कि इनकी मल्टीप्लीकेशन भी उसी के अंदर तो एक्स इंटू तो वाई विल भी इक्वल टू ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन और ये पावर एड हो जाती है तो ए की पावर एम प्लस एन ये भी ए की कोई पावर आ गई तो वो तो इसके अंदर जाएगी ही जाएगी ठीक है ना और तब जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो सारे हैं ना वो इंटीजर हैं अब एम भी एक इंटीजर है एन भी एक इंटीजर है तो उनकी एडिशन भी क्या होगी इंटीजर होगी यानी कि एक्स इंटू वाई एक ऐसा एलिमेंट की फॉर्म में लिखा जा रहा है जो कि ए की कोई इंटीग्रल पावर है तो वो तो इसमें चली गई ना सारे ए की पावर है इस जी के अंदर और ये भी ए की पावर में लिखा जा रहा है तो ये किसमें चला गया जी के अंदर ठीक है असोशियटिविटी एक्स इंटू वाई कर लो इंटू जेड कर लो या एक्स इंटू वाई इंटू जैड कर लो दोनों सेम आएंगे कैसे इंटू ए की पावर एम इन टू ए की पवर एन वल की पावर एम वाई के रख दिए पावर एन और जेड एलिमेंट आप मान लो की पावर पी मान लो, लो। इन्होंने स्टार्टिंग में तीनों मान रखे तो इनके साथ करोगे तो ए की पावर एम प्लस एन प्लस पी ये ब्रैकेट क्यों लगाया क्योंकि पहले इनको सोल्व करना है आपको अब ये इंटीजर है सारे अब इंटीजर फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है एसोसिएटिविटी होल्ड करती है फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि अगर तीनों इंटीजर है ना एम प्लस एन प्लस पी किस चीज के इक्वल हो जाएगा एम प्लस एन प्लस पी के तो यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो कि जो एडिशन होता है इंटीजर्स का वो किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को और ये एम एन और पी तीनों ही इंटीजर हैं तो एम प्लस एन ब्रैकेट प्लस पी इज इक्वल टू एम प्लस ब्रैकेट एन प्लस पी इसके इक्वल होता है सो दिस इज इक्वल टू ए की पावर एम इसने अलग कर लिया और ए की पावर एन इंटू ए के पावर पी इसको अलग कर लेकिन ये क्या है एक्स ये क्या है वाई ये क्या है जेट दिस इज इक्वल टू दिस तो सश्योरिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है ठीक है थर्ड देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या इसके हर एलिमेंट के लिए कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो वही एज इट इज आ जाए वन एग्जिस्ट करता है वन की किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो आगे या पीछे वही आएगा ना और वन इसमें बिलोंग भी कर रहा है तो उसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फोर्थ क्या है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हर किसी एक्स के लिए एक वन बाय एक्स जरूर एग्जिस्ट करेगा यहां पे क्योंकि X किस टा, किस टा, आ, मतलब किस मतलब टाइप टाइप का का है कि पावर N टाइप का. और तो उसके लिए वन बाय क्या हो जाएगा की पावर M टाइप का है ना यही होगा ना अब एम इंटीजर है तो माइनस एम भी क्या है कि इंटीजर है तो वो भी तो इसके अंदर बिलोंग कर गया तो हर किसी एक्स के लिए एक वन बाय एक्स एग्जिस्ट कर रहा है हर किसी ए की पावर एम के लिए वन बाय ए की पावर एम एग्जिस्ट कर रहा है किस टाइप से अगर आप उनकी मल्टीप्लीकेशन कर दो तो वो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा हैंस वन बाई एक्स इज इनवर्स ऑफ एक्स फिफ्थ क्या है कॉम्पिटेटिविटी कॉम्पिटेटिविटी में क्या करोगे आप एक्स ट्रोट वाई इज इक्वल टू ए की पावर एम इन टू ए की पावर एन वैल्यू रख दी विच इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन लेकिन ये तो दोनों तो इंडिविजन आगे पीछे कर सकते हो एन प्लस एम कर दो तो ए की पावर एन हो, हो गया ए की पावर एम हो गया और ये क्या है, है, है एक्स तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स तो, तो दिस एम्प्लाइज दैट कॉम्युटेटिव भी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा एबिलियन ग्रुप अच्छा इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप पूछा था इसने तो आप लास्ट में ये लाइन भी लिखोगे कि एज द एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट क्योंकि इन्होंने डैश डैश डॉट 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 लगा रखा है इसका मतलब ये सेट कैसा है इनफाइनाइट है सो एज दिस इज ग्रुप एंड एलिमेंट्स इन सेट आर इनफाइनाइट तो दिस एम्प्लाइज दैट दिस इज

एलिमेंट्स लेने होते हैं और फिर आपको ये प्रूव करना होता है कि उनके ऊपर जब आप ऑपरेशन लगाओगे ना तो वो भी उस उस सेट में बिलोंग कर रहा है बस इतना सा करना होता है आपने ए और बी दो तो एलिमेंट्स ले लिए जेड में से इंटीजर्स ले लिए अब उनके ऊपर जब आप ऑपरेशन लगाओगे एक स्टार बी वो क्या दे रखा है इन्होंने ए प्लस बी प्लस वन आएगा अब ए एक इंटीजर है क्योंकि हमने ए और बी दोनों जेड से ले रखे हैं ना एक इंटीजर है बी एक इंटीजर है और वन बी एक इंटीजर है और तीन इंटीजर्स की एडिशन क्या होती है इंटीजर होती है तो वो भी जेड में बिलोंग करेगी तो इसका मतलब अगर ए बी जेड में से है तो ए स्टार बी भी किस में कर रहा है Z में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी होगी है क्लोजर प्रॉपर्टी सेकेंड क्या है एसोसिएटिविटी एसोसिएटिविटी में आपको पता है आपको क्या प्रूव करना है कि ए स्टार बी प्लस सी और ए स्टार बी प्लस सी दोनों क्या है इक्वल है तो इनको अलग अलग से निकाल लो अब ए स्टार्ट B प्लस स्टार सॉरी प्लस नहीं स्टार C अब इसको भूल जाओ एक सेकेंड के लिए स्टार C को भूल जाओ तो A स्टार B की वैल्यू क्या दी थी A प्लस बी प्लस वन तो रख दो A स्टार C ठीक है अब कि नहीं दो एलिमेंट पे जब आप ऑपरेट करते हो तो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट और प्लस वन और आ जाता है यहां पे आपको इस पे और इस पे ऑपरेट करना है तो फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट और एक वन और आ जाता है ओपन हो गया इसको सोल्व कर लो अब ए प्लस बी प्लस सी प्लस टू आ गया सिमिलरली स्टार से क्या हो जाएगा ए स्टार बी प्लस सी प्लस वन और इन दो पे ऑपरेशन लगा रहे हो तो क्या हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट और प्लस वन और आ जाएगा ये भी आ रहा है वो भी अर है तो दोनों इक्वल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड थर्ड के एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब ए बिलोंग्स टू जेड के लिए एक e एग्जिस्ट करती है आइडेंटिटी एलिमेंट किस टाइप से आपको ये दिखा अभी आपको पता नहीं है कि है या नहीं आपको चेक करना है आप वैल्यू पुट कर दो कि ए स्टार ई एकवल है तो ई की वैल्यू निकालनी है आपको ए स्टार ई जब आप करते हो तो क्या आएगा फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट प्लस वन इज इक्वल टू ए ए से हो गया कैंसिल सो ई इज इक्वल टू माइनस वन आ गया तो इसका मतलब इसकी आइडेंटिटी जो है क्या है माइनस वन है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन ना एडिशन है ना मल्टीप्लीकेशन है कुछ नहीं है इन्होंने अपना ही बना रखा है ऑपरेशन जब आप लगाओगे ना तो ए प्लस बी प्लस वन होता है तो इसीलिए इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो क्या है माइनस वन है ये ये वाली चीज हमने क्यों की है क्योंकि हम डायरेक्टली नहीं बता पा रहे थे तो हमने जैसे वो करते नहीं थे इक्वेशंस uh, को सॉल्व करते थे एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव दिया हुआ है तो आप कैसे करते थे उसको सॉल्व करते थे उसको थ्री को उधर ले जाते थे तो एक्स की वैल्यू टू आ जाती थी तो वही काम हम यहां कर रहे हैं ए स्टार इज इक्वल टू ए रख के देख रहे हैं और ये देखना चाहते हैं कि ई e की वैल्यू क्या आएगी तो वही तो हमारा आइडेंटिटी होगा ना तो e की वैल्यू आ गई माइनस वन और वो किस टाइप से एग्जिस्ट कर रही है कि ए स्टार ये e जब आप कर रहे हो यानी ए स्टार ई e की वैल्यू माइनस वन जब आप ये कर रहे हो तो क्या आता है वही एलिमेंट माइनस वन और प्लस वन हो रहा जाता है तो ये कैंसिल हो गया ए आ गया यानी कि इनकी ऑपरेशन कर रहे हो ना तो वही आ रहा है ई e स्टार ये e कर रहे हो तो भी वही आ रहा है तो इसका मतलब माइनस वन क्या है क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है सेकेंड है इनवर्स अब यहां भी हम पुट करके देखेंगे हमें नहीं पता इनवर्स क्या है तो पुट करके देखेंगे कि ए स्टार बी आप करो आइडेंटिटी केवल आ जाए तो बी की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ से तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या है माइनस वन यहाँ पे ए स्टार बी खोल दो क्या था ए प्लस बी प्लस वन और इधर से इज इक्वल टू माइनस वन इसको उधर ले जाओ वन को तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस टू आपको वैल्यू निकालनी है बी की तो बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस टू तो हर किसी ए बिलोंग्स टू सुसाइड के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा माइनस ए माइनस टू एग्जिस्ट करेगा जो कि ए का क्या होगा इनवर्स होगा अब कंडीशन आपको दिखानी पड़ेगी जैसे आइडेंटिटी की कंडीशन थी ना कि उसको भी एलिमेंट के साथ लगाओ वही एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा आगे या पीछे उसी तरह से इनवर्स में कि ए स्टार बी करो तो आइडेंटिटी आना चाहिए और बी स्टार ए करो तो भी आइडेंटिटी आना चाहिए तो ए स्टार बी जब आप करोगे ए स्टार बी की जगह रख दो माइनस ए माइनस टू तो इसमें ऑपरेशन लगाओगे तो फर्स्ट सेकेंड और प्लस वन और आ जाता है तो माइनस वन माइनस ए से माइनस सॉरी प्लस ए कैंसिल हो गया सिर्फ क्या बच गया माइनस वन जो कि क्या है आइडेंटिटी सिमिलरली बी स्टार ए भी क्या हो जाएगा आइडेंटिटी तो इसका मतलब फोर्थ फोर्थ बी स्टार्ट सेटिस्फाई होगी फिफ्थ क्या है कॉम्बेटेटिविटी कॉम्बिटेटिविटी मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए हो जाए अब ए स्टार बी क्या होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन इन्होंने दिया हुआ है अब b को आगे कर लो a को पीछे कर लो तो b प्लस ए प्लस वन हो जाएगा और ये क्या है बी स्टार करो क्या बन जाएगा b प्लस ए प्लस वन सो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार गई तो इसका मतलब कौन सा ग्रुप हो गया एबिलियन ग्रुप हो गया वीडियो काफी लंबी हो जाएगी एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं और बाकी हम नेक्स्ट में ने स्टार्ट करते हैं फिर अब बाकी एग्जाम्पल्स में देखो काम वही करना है आपको बस इन्होंने क्या कह दिया कि अब एडिशन और मल्टीप्लीकेशन जैसे सिंपल सिंपल नहीं देंगे हम आपको अपनी तरफ से बना के देंगे तो हमें भी प्रैक्टिस हो चुकी है हम भी कर देंगे क्वेश्चन को हमें पता है ना हमें करना क्या है तो वही चीज़ जो हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में करते थे इन्होंने जो ऑपरेशन दिए हुए हैं उस हिसाब से कर देंगे हमें कोई दिक्कत नहीं है इन्होंने क्या कहा कि जो सेट है ना वो क्या है नॉन जीरो रेशनल नंबर्स का जीरो नहीं हो सकता जीरो इंक्लूड नहीं है उसके अंदर बाकी सारे रैशनल नंबर्स हैं और ऑपरेशन है इस टाइप से कि इन पे ऑपरेशन लगाओगे ना तो उनके मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय टू ये आंसर आएगा ऑपरेशन लगाने के बाद फर्स्ट कौन सी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ए आपने ले लिया बी आपने ले लिया और ए स्टार भी क्या होता है ए मल्टीप्लाई बाय बी बाय टू अब एक बात दाओ ए भी एक नॉन जीरो रेशनल है बी भी एक नॉन जीरो रेशनल है रेशनल मतलब जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो बहुत सारे होते हैं रैशनल टू होता है थ्री होता है फोर पहली बात तो ये सारे ही रैशनल है टू बाई थ्री फाइव बाई थ्री बहुत सारे होते हैं रेशनल्स तो ए भी रैशनल है बी भी रैशनल है हम की मल्टीप्लीकेशन भी रैशनल होगी और उसकी डिवाइड करोगे उसको टू से तो वो भी तो रैशनल ही होगा ना तो इसका मतलब ए स्टार बी भी, भी क्या है एक नॉन ज़ीरो रैशनल है तो इसका नॉन जीरो रैशनल है तो किस में बिलोंग कर गया उस सेट के अंदर उसको हमने नाम क्या दिया हुआ क्यू नॉट तो ए स्टार बी भी क्यू नॉट में बिलोंग कर गया अगर ए और बी दोनों क्यू नॉट पे हैं तो

इस पे और इस पे वो ऑपरेशन लगा दिया कि नहीं भी दो पे ऑपरेशन लगा रहे थे तो क्या हो रहा था उनकी मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय टू तो इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय टू तो क्या आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाय फोर अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है अगर आपको ये समझ आए तो ठीक है मैं बताती हूँ एक मिनट तो आप इसको क्या कर सकते हो इसी फॉर्म में लाने की कोशिश करो ताकि आप लास्ट में उसको ये लिख सको क्या करोगे उसको यहां पे सी अलग था ना यहां पे ए अलग कर लो तो ए स्टार और बी स्टार सी के डिवाइड में टू कर दो तो बी स्टार सी डिवाइडेड बाई टू और टू को अलग कर दो ये क्यों किया हमने ताकि कि हम इसको ए स्टार बी क्रॉस सी बाय टू कर सकें और फिर उसको क्या लिख सकें ए स्टार बी स्टार सी यहां से लेके यहां तक भी पहुंच सकते हो या फिर इसको वैल्यूएट करके निकालो क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाय फोर और फिर ए स्टार बी स्टार सी को इवेल्युएट कर लो वो भी क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाय फोर देखो ये ऐसे भी कर सकते हो दूसरा केस क्या के है यहां से लेके यहां तक आप कर दो ए स्टार बी स्टार सी को सोल्व कर दो क्या आएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाय फोर और सेकेंड स्टेप फिर आप ऐसे कर सकते हो ए स्टार बी स्टार सी निकाल लो कैसे करोगे ए स्टार एज इट इज इस पे ऑपरेशन लगाया तो क्या है आप बी क्रॉस सी बाय टू अब ये दो एक एलिमेंट बन गए तो इन पे लगाओ तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी बाय टू और उनके बाय में टू ठीक है ना ऑपरेशन लगाया ऑपरेशन की डेफिनेशन थी कि, कि दो पे लगाओ तो उनकी मल्टीप्लीकेशन तो यही तो आया, आया है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड करती है सेटिस्फाई होती है थर्ड क्या है आइडेंटिटी वही काम करेंगे हम यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ए स्टार टू इज इक्वल टू ए स्टार टू इज इक्वल टू ए इन्होंने क्या किया यहां पे डायरेक्टली इनको पता चल गया कि अगर आप दूसरा एलिमेंट टू ले लो ले लो यहाँ पे ए स्टार टू निकाल लो ए स्टार टू निकाल लो बी के जगह का टू रख दो तो क्या आएगा ए स्टार टू डिवाइडेड बाई टू टू से टू किट हो जाएगा क्या आएगा ए आया यानी कि टू के साथ जब आप किसी भी एलिमेंट को ऑपरेट कर रहे हो तो वही एलिमेंट ए एज इट इज आ रहा है तो इसका मतलब टू क्या है, है यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है ठीक है दूसरा केस क्या हो सकता है दूसरा वे क्या हो सकता है निकालने का वही जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया था ऐसे क्या किया था हमने कि अगर इको आइडेंटिटी एलिमेंट है तो उसकी उसके साथ मल्टीप्लीकेशन वही आनी चाहिए अब इन दोनों पे वाइब्रेशन लगाओगे तो क्या आएगा ए क्रॉस ई बाई टू इज इक्वल टू ए ए से कट गया ई e को ई इज ई बाई टू इज इक्वल टू वन आ गया तो ई इज इक्वल टू उधर ले जाओ टू को टू आ गया यानी कि ई की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई टू तो टू हमारा क्या है यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है तरीका कोई भी हो सकता है आप डायरेक्ट लिख सकते हो निकाल के दिखा सकते हो निकाल के दिखाओगे थोड़ा और अच्छा लगेगा तो और ये किस टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है टू कि ए स्टार टू करो तो भी ए आ रहा है और टू स्टार ए करो तो भी ए आ रहा है तो इसका मतलब टू क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है और इनवर्स क्या करता है एग्जिस्ट करता है फोर्थ के एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स किसी भी ए के लिए यहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू क्यू नॉट पे कंफ्यूज नहीं होना इसका मतलब क्या होता है ए जीरो नहीं है यानी ए नॉन जीरो है और वो क्यू नॉट में बिलोंग करता है यानी ए नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू क्यू नॉट बस इतना सा है नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि जीरो नहीं है ये नॉन जीरो एलिमेंट है जो क्यू नॉट में बिलोंग करता है तो इसका हर किसी के एलिमेंट के लिए हमें क्या दिखाना था इनवर्स तो इनवर्स हम निकाल लेंगे ये इन्होंने पिछले एग्जाम्पल की तरह किया हुआ है कि अगर बी इनवर्स रहेगा तो उनकी मल्टीप्लीकेशन किसकी इक्वल आनी चाहिए आइडेंटिटी की इक्वल आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है टू है तो ए स्टार भी क्या आना चाहिए टू आना चाहिए अब ए स्टार भी निकालोगे आप क्या आएगा ए क्रॉस बी बाई टू विच इज इक्वल टू टू तो बी की वैल्यू इसको उधर ले जाओ ए क्रॉस बी इक्वल टू फोर और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर बाय ए तो हर किसी ए के लिए फोर बाय ए क्या बन रहा है उसका इन्वर्स बन रहा है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है और कॉम्बिटेटिविटी तो होल्ड करती ही करती है ए स्टार बी क्या आएगा ए क्रॉस बी इनको उल्टा कर दो बी को आगे एक को पीछे और ये क्या बन गया बी स्टार है

सो so, तब तक आप ये आठ के आठ एग्जाम्पल्स और इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज में वो ट्राई करके देखना कोई प्रॉब्लम हो तो उनको लिख लेना क्योंकि आपको पता है हम एक्सरसाइज भी करने वाले हैं तो वहां पे आपके डाउट बो क्लियर हो जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं करना कि आपने एग्जाम्पल कर रहे हो जब एक्सरसाइज हो रही है साथ साथ एक्सरसाइज कर रहे हो नहीं एग्जाम्पल्स करके कॉन्सेप्ट समझ के एक्सरसाइज ट्राई करके देखना फिर जो डाउट हो वो आप जो लेक्चर है ना हमारे जो वीडियो है उससे करना ट्राई जरूर करना एक बार सो कीप लर्निंग And thanks for watching.